गाइज अभी वो सारे लोग जा चुके हैं और अभी हमारी बिजनेस मीटिंग रहने वाली है 2-3 घंटे हैं, तो मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा क्योंकि आज संडे है और बाकी बाहर तो गरबा सब शुरू है। बहुत ही भूख लग गई थी तो अभी वेफर भी खाया, फ्रेश भी पिया और अभी मायोनीज वाला वड़ा पाव मंगाया था। सो एक तो खा गया, अभी ये दूसरा है, पूरा हैवी लग रहा है। सो बहुत ही अच्छा बनाया है, इसमें मायोनीज डाला है तो बहुत ही अच्छा लगता है, अलग ही टेस्ट आता है। सो ये सारी चीज़ हम खाते हैं फिर भी वेट लॉस करते हैं और फिर भी ये सारी चीज़ निकल जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि हम न्यूट्रिशन लेते हैं और फिटनेस बरकरार रहती है। ज़बरदस्त हमारी ट्रेनिंग रही और ये ट्रेनिंग का नाम था एसोसिएट डेवलपमेंट ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ इसमें सीखने को मिली है। उसमें हेल्थ का भी होता है कि कैसे कैसे अपनी हेल्थ को जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट करें और साथ साथ में कैसे अपने बिजनेस को एक्सपांड करें घर बैठे या वट एवर कहीं से भी आप काम कर सकते हैं। और अच्छी अच्छी स्टोरी आज सुनने को मिली, बहुत सारे रिजल्ट सुनने को मिले, बहुत ही मज़ा आता है ऐसी ट्रेनिंग लेने के बाद। शरीर के अंदर मोटिवेशन आ जाता है और रियल में काम करने का एक फोकस मिलता है, एक मेंटरशिप मिलती है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और उनके बाद निकलेंगे घर पे। देखिए गाइज अभी सब जगह पे यही गणपति का उत्सव मनाया जा रहा है, विसर्जन का। देखिए ये सब खेल रहे हैं पानी के साथ और अभी हम जाएंगे डायरेक्ट सीधा रोड है तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग निकलते हैं डूमस जाने के लिए, यहाँ से विसर्जन ज़्यादातर होता है। तो अभी सारे लोगों की ट्रैफिक इतनी जाम है और बहुत सारे लोग मज़े कर रहे हैं गणपति उत्सव का। और फिलहाल कीर्ति खुश को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गई है, तो वो अकेली नहीं गई है, तो साथ में धरती और काजल भी गई है एक्टिवा लेके। तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं मीटिंग की वजह से साथ में नहीं जा पाया, अभी मीटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। खुशी से खुशियों को भाई दिखा दिया हॉस्पिटल में और उन्होंने बोला है नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी अभी ऐसा थोड़ा लग रहा था तो इसीलिए दिखा दिया है। अभी चलते हैं डायरेक्ट घर पे और कीर्ति हमारे साथ आएगी और धरती और काजल है वो एक्टिवा लेके आएगी। आज कीर्ति हमसे नाराज़ है क्योंकि मैं कल रात को होटल में सो गया था और सुबह घर पे आया था और पता भी नहीं चला किसी को, लेकिन कीर्ति को पता चल गया था तो पूरी नाइट होटल में सोया था, इसलिए कीर्ति नाराज़ है। इसीलिए अभी आज मैंने दाल चावल बनाए मैंने नहीं बनाए, धरती ने बनाए हैं। सो अभी खाना खाते हैं फिर मनाते हैं थोड़ा। सो फाइनली गाइज मूंग है और दाल चावल है और साथ में है ककड़ी और खांदा और नींबू और ये मुझे फेवरेट खाना लगता है और आज पेट पूरा भर चुका है। जो वड़ा पाव खाया था, महाराजा वड़ा पाव जो आपको मैंने दिखाया था, और ये खाना मैंने नहीं बनाया है, धरती ने बनाया है। खुशी देखो भाई, खुशी ने गेहूँ की वाट लगा दी पूरी। खुश कीर्ति यहाँ पे बैठे बैठे देख रही है, देख रही है। खुशी वाह वाह, पूरे घर में गेहूं गेहूं हो गया है अभी फिलहाल तो। ओ खुशी, खुशी देखो किस में चला गया। ओ खुशी, ओ खुशी, किस में चले गए खुशी तू? हैं खुशी, आठ बज गए हैं और अभी खाने खाने का बहुत ही मूड हुआ है अच्छे से बनाने का, लेकिन अभी कीर्ति और धरती गए थे आटा पीसवाने के लिए, लेकिन कोई भी चक्की नहीं खुली थी इसके लिए, जो बनाना था वो पूरा कैंसिल रहा।
और कीर्ति ने तो बहुत जगह पे देखा था, लेकिन वो फिर भी वापस आ गई, उन्होंने कुछ नहीं मिला। और फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ अभी मैं सलाद काट रहा था, और ये सारी चीज़ अभी जाएगी सब्जी में। और आज जो बनने वाला है, क्या बनने वाला है? बैंगन का भरता बनने वाला है, और इसमें लहसुन और प्याज और शिमला मिर्च, ग्रीन चिल्ली आती है वो भी जाएगी, कैप्सिकम भी जाएगा, अदरक भी जाएगा, टमाटर भी जाएगा, और ज़बरदस्त बनने वाली है। और काजल उसका काम कर रही है, और धरती यहाँ पे क्या बना रही है? बाजरे की रोटी बना रही है, और गर्मा गर्म उसके ऊपर, मक्खन तो यहाँ पे नहीं है तो हम घी डालेंगे रोटी के ऊपर, और इसका मजा लेने वाले हैं, क्योंकि हमको जो बनाना था वो मिला नहीं, आज संडे था इसीलिए। तो अभी इनके ऊपर ही गुस्सा उतारेंगे, बैंगन के भरते ऊपर, और साथ साथ में जो रोटी है बाजरे की रोटी, और गुड़ भी खाएंगे, और साथ में बहुत सारी चीज़ पापड़ सलाद जो भी होगा वो खाएंगे और मज़े करेंगे। सो फाइनली गाइज, अपना बैंगन का भरता रेडी है, स्पेशल बैंगन का भरता आप देख सकते हो धरती ने बनाया है, और साथ में है बाजरे की रोटी, और है कांदा, और मिर्ची, तीखी तीखी मिर्ची। सो अभी देख के मुँह में पानी आ रहा है, अनबिलीवेबल। और ये अगर गांव में खेत में बनाया हो तो और अच्छा लगता है, फिलहाल यहाँ का ही मज़ा करते हैं। कब से बन रहा है अभी ये बैंगन का भरता, अभी वेट नहीं हो रहा है। वाह, अप्रतिम बना है, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही तीखा बनाया था, और बहुत ही मज़ा आया। सो बहुत ही खाया और दबा के खाया, अभी सबको थोड़ा सर्दी जैसा है, तो सबने अच्छे से दबा के लपेटा है बाजरे की रोटी के साथ, वो भी बहुत ही एंजॉय किया। और अभी हम करीबन 2-2.5 घंटे से प्लानिंग कर रहे हैं बर्थडे की। सो खुश का बर्थडे अभी शॉर्ट टाइम में आने वाला है, तो कब से उनकी प्लानिंग चल रही है, कोई बोल रहा है ये करिए, कोई बोल रहा है वो करे, कुछ बोल रहा है ये करे, और लास्ट में डिसीजन अभी कीर्ति के हाथ में रहने वाला है। सो सभी लोग अभी कीर्ति को पूछने वाले हैं कि क्या करना है, क्योंकि मैं भी इसमें इस बार नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि जो कीर्ति बोलेगी उस हिसाब से करने वाले हैं बर्थडे। सो कीर्ति कुछ बताना चाहूँगी कैसे बर्थडे क्या करें? मैं तो चाहती हूँ आलीशान बनाया जाए। तो कीर्ति तो आलीशान बोल रही है, अभी देखते हैं कैसा आलीशान करें, क्योंकि मेन चीज़ क्या अभी हो रहा है कि आज खुश को हॉस्पिटल लेके गए थे, तो क्या बोला था डॉक्टर ने? वायरल इन्फेक्शन है खुश को, तो अभी करीबन 2-3 दिन 4 दिन तो वो तबीयत उनकी अच्छी होगी नहीं, क्योंकि वो तुरंत अच्छा नहीं होता है। और कीर्ति की भी तबीयत देखो, अनबिलीवेबल, उनको भी थोड़ी सर्दी जुखाम है, और इसकी वजह से अभी शॉर्ट टाइम में आने वाला है बर्थडे, इसीलिए अभी देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि हेल्थ भी सबसे मेन है। अगर बर्थडे मनाने जाए और हेल्थ ही सही नहीं है तो कुछ काम का नहीं। तो सारी अभी प्लानिंग चल रही है, अभी क्या होने वाला है आई डोंट नो। साहब वो बर्थडे अच्छा भी मना सकते हैं और उनसे भी अच्छा मना सकते हैं ऐसा, तो अभी की कन्फ्यूज़न में है। और करीबन अभी 11:30 बज गए हैं, और अभी तक हम बैठे हैं, प्लानिंग की चल रही है। सो अभी प्लानिंग करते रहेंगे, और आपको मिलेंगे कल टुमोरो मॉर्निंग में। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, बर्थडे मनाएंगे कैसे नहीं, आपके साथ प्लान शेयर करेंगे। सो अभी प्लानिंग हम सोच रहे हैं, और अभी कब से सबसे एडवाइस ले रहा था, धरती से भी, काजल से भी एडवाइस ले रहा था, कीर्ति से भी एडवाइस ले रहा था कि किस तरीके से बर्थडे मनाया जाए, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कम लोगों में बर्थडे मनाना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सबको बुलाना चाहिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि अभी मना रहे खुश के लिए, अभी खुश को तो कुछ पता ही नहीं है कि मेरा बर्थडे है, ये है वो है, तो अभी सब प्लानिंग चल रही है कि कैसे क्या करें। तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा, बाद में सारे लोगों को पता चलेगा। तो आप अगर डेली व्लॉग देख रहे हो तो इनका बेनिफिट आप सारे लोग उठा सकते हैं। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करें। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा व्लॉग, तो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोपाल आई व्लॉग्स, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।